रिवील हिज ग्रेट ट्रूथ एंड ग्रेट रेवल्यूशन द लव ऑफ गॉड आज परमेश्वर जो अपना एक सच है और जो उनका एक प्रकाशन है हमें परमेश्वर का जो प्यार है वो सबसे महान हैीस क्रिस्ट इज सो ग्रेट जो येशु मसीह का प्यार है वो बहुत ही महान है सो वेर द लव इज फ्लोइंग वेर द गॉड्स लव इज रीचिंग टू अस परमेश्वर का प्यार हमेशा बेहतर रहता है और वो हम तक पहुंच रहा है सो फ्रॉम वेयर द लव इज फ्लोइंग अब हमें ये जानना है कि वो प्यार कहां से बह रहा है इट इज फ्रॉम द क्रॉस उस क्रॉस के ऊपर से इट इज फ्रॉम द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट वो सलीब जो यीशु मसीह की है वहां से बह रहा है सो टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट अबाउट द ग्रेट लव एंड द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट आज हम जानेंगे यीशु मसीह की सलीब के के लिए और उनके प्यार के लिए

सलीब है वो सारी मानव जाति के लिए एक आशीष है सो फ्रॉम द क्रॉस ऑल द कमिंग उस सलीब से ही सबके लिए जीवन में आशीषे आई हैं सो वी शुड द क्रॉस इन आवर माइंड एंड ऑल टाइम हमेशा इस बात को हमारे दिमाग में और हमारे दिल में हमें जानना चाहिए कि वो सलीब का क्या महत्व है हमारे को उसको ज्ञान से जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे समझना चाहिए सो द लॉर्ड इज गोइंग टू स्पीक टू यू टुडे अबाउट द क्रॉस आज यीशु मसीह आपसे सलीब के बारे में बात करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड डिलीवरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली

सलीब है वो एक यीशु मसीह की सामर्थ है जो इस बात पे यकीन करते हैं जो सलीब है वो परमेश्वर की एक सामर्थ है सो टुडे आई एम एनकरेजिंग यू बिलीव मोर एंड मोर मेडिटेट मोर एंड मोर ऑन cross, एंड इट विल इंक्रीज द गॉड पावर इन यूर लाइफ आज से मैं आपसे चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को जो के के बारे में, के बारे में में सलीब लिखे हैं उसको और ध्यान से पढ़े ताकि आप उस अपने जीवन में उन चीजों को समझ सके सो मेडिटेट मोर अबाउट द क्रॉस आज से आप सलीब के बारे में और जाने और उसके बारे में सोचे कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है सो द पावर ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू द गॉड्स विल कम एंड फिल यू तो उससे क्या होगा जो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन परमेश्वर की प्रेजेंस से उसकी मौजूदगी से भर जाएगा सो हाउ यू यू कैन मेडिटेट द क्रॉस अब हम सलीब को कैसे हम अपने जीवन में रोज उसको कैसे उस पर मनन करें एवरी डे वी शुड थैंक गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट ही सफर्ड फॉर ऑन द क्रॉस सबसे पहले हमें करना है रोज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने यीशु मसीह को भेजा उसने हमारे लिए सलीब पे वो दर्द उठाया बिकॉज़ ऑन द क्रॉस जीसस डाइड फॉर अस दैट एक्ट इज अ ग्रेट साइन ऑफ लव फॉर द एंटायर मैनकाइंड जो यीशु मसीह ने वो सलीब पे जो अपनी जान दी वो दर्द सहा वो पूरी मानव जाति के लिए एक उद्धार था सो दैट शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम आवर आईज एंड थॉट्स ऑल द टाइम डेथ जीसस क्राइस्ट ऑन द्रॉस शुड बी इन हमेशा हमारे दिल में और दिमाग में इस बात को रहना चाहिए अगर वो ना किया होता तो ये मानव जाति नहीं बचाई जातीस क्राइस्ट ये आपको मदद करेगा आप सलीब के बारे में और जान सकेंगे और उसपे मनन करते रहेंगे सो नेक्स्ट यू है बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट अगली बात जो आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कोड़े खाए थे यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे हमारे लिए so वो from, बात हमें भूलनी नहीं फ्रॉम एनी स्ट्राइप्स और इस सर से लेके पैरों तक कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उनको कोड़े नहीं पड़े थे जीसस क्राइस्ट हर दिन हमें इस बात को याद रखना है कि उसके उन जख्मों से हमारी जीवन में चंगाई आई सो दैट विल मेक यू मोर वाइज एंड दैट विल इंक्रीज द विजडम एंड नॉलेज इन यू जब आप इन बातों पे मरण करेंगे तो आप आप में परमेश्वर के वचन की और समझ आती जाएगी और जो बुद्धि आपने परमेश्वर ने आपको दी है वो बढ़ेगी सो ऑन द हेड ऑफ जीसस क्राइस्ट दे मेक अ क्राउन ऑफ थॉर्न एंड द the crown of thorn had a very sharp poisonous thorn it win, went inside the head of jesus christ उन्होंने यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज लगाया था और वो कांटे जो थे उनके सर के इधर चुभ रहे थे so then you can imagine how much the thorn went inside and affect the brain affect the entire skull system entire the vision and everything the head is fully damaged through the crown of thorn आप समझ सकते हो इस बात को कि अगर कांटों का ताज लगा है और वो उसके जो कांटे हैं उनके सर के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें कितना दर्द होगा शायद वो देख भी नहीं पा रहे होंगे पर इतने बोझ के साथ इतने दर्द के साथ उस समय में वो थे so क्यों वो उन्होंने ये दुख सहा गुड्स द होलीस ऑफ ग वो इसलिए कि ताकि हम उस परमेश्वर के दुख को जान सके और परमेश्वर की पवित्रताई में जी सके सो सेवरल टाइम्स वी आर हैविंग ए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द इविल बैड वेयरली थॉट्स कम एंड हिट आवर माइंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में जो इस संसार की जो बुरी बातें हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। टू ओवरकम दैट उनसे हमें बाहर निकलना है जीसस suffered एंड जीसस गॉन थ्रू दैट सफरिंग यीशु मसीह ने वो दर्द उठाया और वो दर्द में इसलिए गए ताकि आप उनसे बाहर आ सकें। सो लाइक दैट यू है

so that's why in the ministry of of apostle Paul there there। is a supernatural power of God was जो पॉलुस है उसने जो परमेश्वर का कार्य किया था इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में एक चमत्कार की तरह काम कर रही about द

मारे जाने का उस स्लीपे और उसकी साम जिसने उसे जी उठाया था लोगों के अंदर चमत्कार करती थी। कनेक्शन बिटवीन मतलब रिश्ता है यीशु मसीह के मरने का और जी उठने का सो द मोर सफरिंग ऑफ द स्ट्राइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट विल ब्रिंग द मोर resurrection पावर इन so your लाइफ एंड इन your फैमिली जितने ही गहरे आपके जखम या कोड़े होंगे उतने ही उतना ही ज्यादा आप सामर्थ पाओगे परमेश्वर की सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ द गॉड्स सफरिंग और यही परमेश्वर के उस दर्द में से होके जाने का एक राज था वेन एवर यू आर मेडिटेटिंग मोर अबाउट द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट द मोर रेसुरेक्शन पावर ऑफ The Holy Spirit will come and bless you and empower you. जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के सलीब के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपना समय अंत के समय उन्होंने बिताया था उतना ही परमेश्वर की सामर्थ वो जी उठने की सामर्थ में आप और अभिषेक पाते जाएंगे are you waiting for your miracle? क्या आप वेट करें आपका आपके जीवन में चमत्कार हो सच अगर वेट ही बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं

यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार करेगी अगर आप उस पे ध्यान देंगे तो दैट्स वे अपोस्टल पॉल ही इज टेलिंग सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4:10 दूसरा कोरिन्थियंस उसके 4:10 में पौलुस इस तरह से कहता है हियर द गॉड्स वर्ड सेज परमेश्वर का वचन है वी आर ऑलवेज कैरी इन आवर mortal bodies the death of jesus christ hum har samay yeshu masi ke us

वो कहता है कि हर समय यीशु की मृत्यु को को अपनी पे मैं लिए चलता हूँ जीसस क्राइस्ट इन अवर mortal बॉडी इसी तरह हम भी अपने शरीरों पे यीशु मसीह की उस को लिए चलते हैं उसकी मृत्यु को दैटर पावर ऑफ द जीसस क्राइस्ट वॉज इसीलिए पॉलुस की जो वो मिनिस्ट्री का कार्य कर रहा था के जी उठने की उस सामर्थ का बहुत हम देख सकते हैं उसके बारे में इनक्रीज द मेडिटेशन ऑफ द क्रॉस परमेश्वर के सलीब के बारे में अपने समय और your इन in इन thinking, थिंकिंग इन heart, in your entire body carry the death of jesus christ all the time in your life अपने दिमाग में अपने दिल में अपने विचारों में हर समय इस बात को ना भूले कि यीशु की मृत्यु मेरे लिए हुई थी so you have to carry symbolically the power of the cross in your body all the time और इसी से आप वो सामर्थ जो उस सलीब पे परमेश्वर के पास में थी उसको आप अपने साथ में मतलब एग्जाम्पल की तरह लेके चले रोज

You are blessing every day. Your home will be changed as the heaven. That is the God's plan, my friends. That is the God's plan. You have to bring the resurrection power of Jesus Christ in your life. And through you, the resurrection grace should flow to others' life. और यही परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ आपके जीवनों में कार्य करे ताकि आपके आसपास की चीजें बदले सो कैरी Death of Jesus Christ in your life all the time. Automatically, the resurrection power will come upon you. Whenever we are exalting the suffering of Jesus Christ on the cross, the power of God will come and destroy the devil. जब भी हम यीशु मसीह की वो सलीब पे जो उन्होंने हमारे लिए दुख उठाए थे वो मृत्यु ली थी जब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है और जी उठने के कार्य हो जाते हैं आपके जीवनों में डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रो यू हर समय के मृत्यु के बारे में अपने Christ on the cross in your life। हर समय अपने जीवन में उसे देख के की ये मसीह ने मेरे लिए ये सारा दुख उठाया और मृत्यु उठाई ताकि मेरे जीवन में जीवन आ जाए power of God will come and work for you। और जो परमेश्वर की सामर्थ्य वो आके आपके लिए काम करेगी

उपाय है सोल्यूशन एंड द रीजन फॉर यूर सक्सेस ही आपके लिए जीवन में सक्सेस है सो ये ट्राई टू ग्लोरिफाई ट्राई टू ग्लोरीफाई, टू मैग्निफाई द ग्लोरियस डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ यीशु मसीह की उस मृत्यु को शान से बोले ताकि उसकी जी उठने की जो ताकत है आपके जीवन में कार्य कर लिप्ट ऑफ क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट हायर 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 इन योर लाइफ एवरीडे गॉड्स पावर विल कम इन योर लाइफ ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य आपके जीवन में आएगी सो द जेरिको वॉल्स विल फॉल बिफोर यू जो जेरिको की जो दीवारें हैं वो गिर जाएंगी आपके जीवन में आर यू फेसिंग

the lord will fight for you. Yeshu, uh, Prabhu, aapke liye your, ladai your blessing will reach you automatically. Jo aapki hai, wo aapke paas no more battle in your life. Aapko aur ladai ki all the time hain. you will celebrate the victory of the lord. Har aap mein ki aap hain. that is the god's plan. Hai ki every day you have to celebrate the victory of the lord on the cross in your life. Har aapko ki wo jo thi usko hai. from your house all the time.

Uh, यहोशु छे उसका चार और पांच में इस तरह से है। गॉड्स कमांड इज लाइक दिस और परमेश्वर ने इस तरह से उन्हें आज्ञा दी जाशुआ जाशुआ Jericho। आज मैं तुझे जेरीको के ऊपर बहुत ही अपनी विजय दिखाऊंगा फेयर नॉट डर मत डोंट worry। और चिंता मत कर द बैटल बिलोंग्स टू God। जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है एवरी एवरी walls of Jericho विल

जो जुबली और होते हैं कई देशों में ऐसा होता है उनके बड़े बड़े सिंह होते हैं सो टू टेक ram द be बी अगर आपने वो बड़े

through that uh, horn made through that uh, ram's horn. अब जो वो नरसिंगा था वो कैसे बात करता था क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई है राइट जो उसके सी थे जब हम उसमें आवाज देंगे तो गूंजेगी the same way my friends. Se mere dosti, the lamb of god, which was slain for us on the cross. Jo Yeshu ka, jo liye us sali pe so we are having a trumpet, the big horn. now in our hand is the death of jesus christ. Isi mein mahan Yeshu ki ke whenever we are blowing the trumpet of the jesus christ, the death of jesus christ will blow through the

और परमेश्वर ने यूशू से बात करी दिस इज द सीक्रेट फॉर योर सक्सेस और यही तुम्हारे विजय का एक मैंने सीक्रेट रखा हुआ है सेवन कैन कैरी द द हॉर्न हॉर्न ऑफ इन देयर हैंड जो सात याजक हैं उनको बोलो कि इन सात नर्सिंग को लेके आगे आगे चलो द आर्क ऑफ गॉड शुड गो बिफोर यू द फ्रंट और जो परमेश्वर की वाचा का जो संदूक था वो उनके पीछे चले आर्क ऑफ गॉड रिप्रेजेंट द द्यूमस

परमेश्वर का जो संदूक था उनकी मौजूदगी उनके साथ थी सो दर्क ऑफ गॉड विल गो बिफोर की वाचा का जो संदूक है वो हमारे आगे आगे जाएगा। तो जो परमेश्वर की मौजूदगी है वो हमारे आगे आगे चलेगी सो द दिस पीपल शुड मार्च अराउंड वॉल ऑफ जेरिको सेवन टाइम्स और परमेश्वर ने उन्हें कहा था उस जो जो वो शहर है उसके साथ चक्कर लगाओ और जो वाचा का था, उसके आगे चल रहा था जीसस क्राइस्ट एंडली स्पिर लाइफ इसमें दो बातें हैं सात याजक थे और सात बार परमेश्वर ने बोला था उन्हें चक्कर लगाने के लिए तो यह हमें बाइबल के हिसाब से दिखाता है कि परमेश्वर की विजय क्या करना है अपने आप को पूरी तरह से बुन लेना है जब बुनते हैं तो सब चीज एक जैसी दिखती है they march around the wall of Jericho. और छह दिन वो जेरीको की उन दीवारों के पास चक्कर लगाते रहे to make seven rounds over Jericho. और सातवें दिन उन्होंने सात बार चक्कर लगाए डे के और सातवा दिन आ गया जाशुआ एंड सिक्सटीन योशु छ पंद्रह और सत्रह में जाशुआ सिक्स फिफ्टीन एंड सिक्सु पंद्रह उसका छ में लिखा है सेवंथ डे सातवें दिन द गॉड्स पीपल इन द मॉर्निंग वेरी डॉन

सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड और उसने कहा कि जब हम सातवीं बार चक्कर लगा रहे हैं, जो सात याद उसने बोला कि इतनी जोर से उस नरसिंह को फूको और जितने हमारे साथ यहूदी लोग हैं इतनी जोर से शोर मचाओ विजय की कि हम जीत गए हैं सो दिस इज दस ऑफ गॉड और उसने ऐसा क्यों किया था क्योंकि परमेश्वर ने दे कहाजेड गॉड दियर वॉइस

समय था जॉसवा सेट टू पीपल यहूशर ने लोगों से कहा चिल्ड्रन ऑफ गॉड शाउट एंड सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड नाउ। परमेश्वर के बच्चों विजय की घोषणा कर दो क्योंकि विजय तुम्हारी है The start to blow trumpet with a great sound of victory। जो याजक लोग थे उन्होंने उस नरसिंह को पूरी जोर से फूंका इसलिए कि हमारी विजय हो गई है थ्रू दट ट्रम्बट साउंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट

जिस तरह नसीमे में आवाज फूकी गई और जैसे वो गूजी वो जितने भी शैतान ने जहाँ पे गढ़ बना रखे थे उसमें पहुंच गई थी कि हम जीत गए हैं। और जो उस शहर की जेरिको की जितनी दीवारें थी सब गिर गई थी क्योंकि हमने विजय पा ली थी दिस इज दावर ऑफ द क्रॉस और यही सलीब की ताकत है दिस इज दावर ऑफ द क्रॉस यही सलीब की ताकत है दिस इज इजरी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ये की ताकत है दिस इज द विक्ट्री ऑफ द वुंड्स एंड द स्ट्राइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये यीशु मसीह की जख्मों की और कोड़े की ताकत है ऑल द टाइम कैरी द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ हर समय यीशु मसीह की उस मृत्यु को अपने साथ लिए चलो द दरअसल पावर विल फॉलो इन योर लाइफ एंड यू विल गोइंग टू हैव द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन ये जी उठने की सामर्थ आपके जीवन में इस तरह से काम करेगी कि चमत्कार होंगे Cross is the power of God. सलीब परमेश्वर की वो सामर्थ है Lift up the पावर ऑफ द क्रॉस इन यूवर लाइफ अपने जीवन में उस सलीब को और ऊँचा उठ ऑल दाइम प्रेस गॉड फॉर द ग्लोरियस क्रॉस एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट हर समय परमेश्वर की महिमा करे उस सलीब के लिए ताकि उसकी महिमा और बढ़े द पावर ऑफ गॉड विल कम एंड ब्रेस यू और परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी और आपके जीवन में कार्य करेगी क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड दोस्त को बिलीव परमेश्वर की सलीब उनके जीवन में कार्य करेगी जो इस बात पर विश्वास करते

आपका जो घर है वो स्वर्ग के जैसे बदल जाएगा। यू विल एंजॉय द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ और आप स्वर्गीय और आत्मिक जो आशीष है अपने जीवन में उसको आनंद मनाओगे जीसस क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड और आप भी संसार में यीशु मसीह की तरह ही जी पाएंगे मेडिटेट मोर अबाउट द क्रॉस Uh, सलीब के बारे में और मनन करें। क्रॉस इज क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड इन अवर लाइफ यीशु मसीह की जो सलीब है वो हमारे जीवन में सामर्थ का काम करेगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू धन्यवाद कहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे